चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के जो चीफ कमिश्नर है साफ तो उनकी एक टके की भी नहीं है पाकिस्तान की तारीख का इलेक्शन होने जा रहा है प्री प्रोर रिगिंग हो रही है पुलिस इसमें पूरी तरह में गुस्सा है पाकिस्तानी माओ बहनों पर जुलम किया लीडर को गोलियाँ मारेगी इमरान खान पे दो सौ पर्चे दिए गए उसका गुस्सा है एम वाई के न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आईकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके अल्लाम नाजरीन आपका मेजबान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है इस वक्त मौजूद हैं पी टी आई सेक्रेटेट जी एट इस्लाबाद में आपको बताएँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि पी टी आई को रैली की जल से जुलूस करने की इजाज़त नहीं है जैसा कि कल इमरान खान साहब की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस किए गए लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलसे जुलूस जहाँ जहाँ भी किए गए बड़ी मुश्किल का सामना था हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मुगल साहब जो कि हल्का एन ए फोर्टी सिक्स के टिकट होल्डर हैं अल्लाह सर वाईक क्या कहेंगे इजाज़त नहीं दी जा रही लाइक जलसे जुलूस करने की कंपेन करने की क्या कहेंगे इस पर देखें जी इस वक्त तो इस्लामाबाद पुलिस हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है और हमें बिल्कुल रोका जा रहा है हमारे कारकुनान को हरासा किया जाता है जहाँ भी हम जलसा जुलूस करने जाते हैं कॉर्नर मीटिंग करने जाते हैं वहाँ पर अननेसेसरी पुलिस को भेजा जाता है और बड़े अटैकिंग मूड में होती है वो और कारकुनान को डराती है और जिसके घर में या जिसके जिसके रेफरेंस से मीटिंग हो रही है उसको तंग किया जाता है और उसे मजबूर किया जाता है कि हमारी मीटिंग कैंसिल करे अदरवाइज़ उस पर एफ़ आई उसे बंद किया जाएगा तो इस माहौल में भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और बड़ा आवाम का रिस्पॉन्स है और इमरान ख़ान की है इस वक्त दुनिया और वो ये चाहते हैं कि उनके वोट की ताकत से जो इमरान खान वो इकतदार में आए इन्होंने हमसे बलाचिन के बैंगन दे दिया लेकिन बैंगन भी आवाम की मोहब्बत बैंगन से आप इससे अंदाजा कर लें कि बीस तीस रुपये किलो से बैंगन इस वक्त डेढ़ दो सौ रुपये किलो पे जा पहुँचाए तो आवाम का बहुत रिस्पांस है इनकी तमाम तर झुलम के बावजूद लेकिन मैं कम अज़ कम चीफ जस्टिस पाकिस्तान या चीफ जस्टिस हाईकोर्ट या इलेक्शन कमीशन का जो चीफ कमिश्नर है खैर साख तो उनकी एक टके की भी नहीं है मैं उन तक ये पैगाम पहुँचाता चाहता हूँ कि अगर इस्लाम इलाम में फेडरल कैपिटल में यह सूरत हाल है जहाँ सारी दुनिया का मीडिया देख रहा होता है जहाँ पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं वहाँ पे यह सूरत हाल है तो भावर नगर या चीचावती या सिंध सखर लड़काना या जगबाबाद में या अ, अ, किसी दूर दिहाज लकी मरमत में क्या पोजीशन होगी तो ये बिल्कुल एक पाकिस्तान की तारीख का मतनाज़ा तरीन इलेक्शन होने जा रहा है बदतरीन धांधली वाला इलेक्शन होने जा रहा है प्री प्रो रिगिंग हो रही है और पुलिस इसमें इलेक्शन कमीशन के साथ पूरी तरह मुलिस है क्या कहेंगे तो अभी जिस तरह आपने बताया कि मामला किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानब से ना सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो है वो इंसाफ की तो है ना इलेक्शन कमीशन से शफाफ इलेक्शन की तो है तो फिर आपको क्या लगता है ये आठ फरवरी को क्या होने किया जा रहा है आठ फरवरी को आम निकल आएगी जी अवाम देखें अवाम में गुस्सा है और दो साल का गुस्सा है जो इन्होंने महंगाई की उसका गुस्सा है जो पाकिस्तानी माओं बहनों पर म किया उसका गुस्सा है जो इनके लीडर को गोलियाँ मारी गई उसका गुस्सा है इमरान खान पर दो सौ पर्चे दिए गए उसका गुस्सा है कारकुनान के घरों को पुलिस ने तोड़ा फोड़ा उसका गुस्सा है आटा जो है वो अस्सी रुपये से एक सौ अस्सी किलो रुपये किलो पे पहुँच गया उसका गुस्सा है पेट्रोल जो है वो डेढ़ सौ से दो सौ अस्सी रुपये लीटर पर पहुँच गया उसका गुस्सा है चीनी जो है वो अस्सी रुपये किलो से दो सौ रुपये किलो तक पहुँच गई उसका गुस्सा है तो इन सारी चीज़ों का गुस्सा वहाँ ने आठ फरवरी को ही निकालना है तो और कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से मेरा पैगाम यह है जी कि पाकिस्तान की जो कौम है ये कैदी नंबर 804 से वफा करेगी और इन श्ला आठ फरवरी को आपने निकल कर वोट लगाना है वोट पे मोर लगानी है जो भी आपके हल्के में इंतबी निशान मिला है आपने उस पर वोट देनी है जो भी कैदी नंबर आठ सौ चार का नुमाइंदा है और आपकी वोट की ताकत से इनशाला इमरान खान दोबारा वजेम भी बनेगा और दोबारा इस जेल से बाहर भी आएगा थैंक यू वेरी मच शुक्रिया